पहले आप हैं जो बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही मुझे पता चला है कि यहाँ पर बाढ़ से बहुत बड़ा एरिया प्रभावित हुआ है, वहाँ का किसान मजदूर दाने दाने के लिए मोहताज है, तो हम लोगों ने तुरंत प्लान बनाया और आज आपके बीच में आ गए। हम चाहते थे कि यहाँ हमसे पहले सरकार इतना कुछ कर दे जो हमारे पीड़ित परिवार हैं इनका कुछ आंसू पहुँचे जा सके, लेकिन ये उदासीन सरकार है, ये इसको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ती है जिसको आज तक लड़ती चली आ रही, उसी को लेकर के इनके पास दूसरा और कोई फंडा नहीं है। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल गए कि बाढ़ की बदहाली पर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, जिसके अंदर जनता के कष्ट का एहसास है, देश के हित का एहसास है, वो व्यक्ति सच्ची बात कहने में कभी मुकरेगा नहीं। राहुल जी की यात्रा पर लगातार जो है बीजेपी सवाल उठाती रही है, क्या कहना चाहिए? तो बीजेपी का काम ही है, जो कोई अच्छा काम करेगा उसके खिलाफ उसको बोलना ही है। भाई, राहुल जी चाहते थे कि देश का जो हाल है उस पर चर्चा हाउस में हो, लेकिन जब भाजपा चर्चा से भागने लगी तो राहुल जी ने फैसला ले लिया, संसद में नहीं चर्चा करो तो क्या सड़क पर भी चर्चा नहीं करने दोगे? हमने सड़क पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो प्लान बनाया वो भारत जोड़ने के लिए बनाया। तुम नफरत फैलाओ, भारत को तोड़ो, हम नफरत को खत्म करके प्यार और मोहब्बत के साथ भारत को जोड़ेंगे, ये हमारा। थैंक यू सर।